एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 20 साल और उसका नाम होता है रोहित, और उसके माइंड के अंदर एक थॉट आता है या फिर एक आइडिया आता है बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, बट वो नहीं करता है बिकॉज उसके माइंड के अंदर एक फियर आ जाता है कि यार मेरे पैसे डूब गए तो क्या करूँगा, लोग क्या बोलेंगे इस बिजनेस के बारे में। बट वो सब कुछ हो जाने के बाद एक दिन वो एक रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर जाके बैठ जाता है और वो सोचता है कि यार जब तेरी उम्र हो जाएगी 17 साल 60 साल तू अपने आप से क्या बोलेगा कि यार एक आइडिया था बिजनेस के बारे में, तूने नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज तुझे फियर था पैसे गंवाने का, लोगों के बारे में सोच रहा था। तो उसके बाद वो क्या करता है पता है, वो बिजनेस को स्टार्ट करता है और गेस व्हाट, कुछ सालों के बाद वो बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लग जाता है, प्रॉफिट कमाने लग जाता है और जो उसके सैलरी थी जॉब के अंदर 20,000 उससे भी काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है वो बिजनेस के अंदर से, और उसको हम बोलते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन इफेक्ट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। आपकी उम्र 20 साल है, 20 साल के अंदर पैसे गवा गए तो क्या ही हो जाएगा, आप फिर से कमा सकते हैं जॉब के थ्रू, बिजनेस को साइड में रखो और जॉब करना शुरू कर सकते हैं अगर बिजनेस सही तरीके से नहीं चला तो। बट रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, काफ़ी बड़ा वाला ना लो कि 50-60 करोड़ आप डूबा देते हैं बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं, कैलकुलेट रिस्क लेना शुरू कर सकते हैं। सो आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो जब आपके 50 साल की उम्र हो जाए, रूम के अंदर बैठे हैं तब अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यार काश ऐसा किया होता तो अच्छा होता।